गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ इंडिया के डिपॉजिट स्लिप आप किस तरीके से फिल कर सकते हैं। जैसे कि राइट नाउ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डिपॉजिट स्लिप बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। सबसे जो पहला पार्ट है, ये पार्ट आपको रिटर्न कर दिया जाता है कैशियर के सिग्नेचर और बैंक के स्टैम्प के साथ, और सेकेंड पार्ट बैंक अपने प्रूफ के तौर पर रख लेता है। तो आप देख सकते हैं सबसे जो पहला पार्ट है, इसमें सबसे टॉप में आपको ब्रांच का नाम लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है राजारहाट, तो आपका जो भी बैंक का ब्रांच का नाम है वो आप लिख लीजिएगा, आपको ये पासबुक में दिख जाता है। और उसके बाद ही बाद आपको यहाँ पे डेट मेंशन करना पड़ता है जिस डेट में आप पैसा डिपॉजिट कीजिएगा, तो डेट आप लिख लीजिएगा उसी के अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको अकाउंट टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी सेविंग्स अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेविंग्स अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट के ऊपर टिक दे दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको लिखना पड़ता है जो कि पासबुक में आपको दिख जाएगा, तो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इस बॉक्स में। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अकाउंट होल्डर का नाम लिखना पड़ता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम लिखा हुआ है नाम, ठीक है, तो आप यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा। टेलीफोन नंबर जो लिखा हुआ है, अगर आपका मोबाइल नंबर बैंक के साथ लिंक्ड है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आपको अमाउंट लिखना पड़ता है, अमाउंट जितना भी अमाउंट आप जमा करना चाहते हैं यहाँ पे आप संख्याओं में लिख लीजिएगा, और उसके बाद आपको शब्दों में यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा। तो जैसे संख्याओं में मैंने लिख लिया 2800 रुपीज़, और उसी के अकॉर्डिंगली शब्दों में मैंने लिख लिया 2800 ओनली, ठीक है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड पार्ट में डिनोमिनेट करना पड़ता है, यानी कितना कैश आप जमा कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2000 रुपीज़ का मेरे पास एक नोट है तो 2000 रुपीज़ हुआ, 500 रुपीज़ का एक नोट है तो 500 रुपीज़ हुआ, 200 रुपीज़ का एक नोट है तो 200 रुपीज़ हुआ, और उसके बाद 100 का एक नोट है तो 100 रुपीज़ हुआ, टोटल हो गया 2800। अगर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट होता तो यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिखना पड़ता टॉप में, ठीक है, आप देख सकते हैं पैन नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद ठीक राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं फिर से आपको यहाँ पे डेट लिखना पड़ता है जो डेट में आप पैसा जमा कर रहे हैं। फिर से आपको अकाउंट टाइप में यहाँ पे टिक करना पड़ता है, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, ओडी अकाउंट, जो भी है आप यहाँ पे टिक कीजिएगा। तो सेविंग्स अकाउंट है तो मैंने सबसे पहला SB जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे टिक किया। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा, अकाउंट नंबर आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम लिखना पड़ेगा, यानी आपका नाम आप लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर से वही टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर लिखने का जगह है तो टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। अगर ईमेल आईडी अपडेटेड है तो आप ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखिएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्पेस दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है। और रुपीज इन वर्ड्स में आपको शब्दों में फिर से लिखना पड़ता है कि कितना अमाउंट आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो मैंने लिख लिया 2800 ओनली, तो संख्या में मैंने यहाँ पे लिख लिया और शब्दों में मैंने यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद एकदम कॉर्नर में सिग्नेचर करना पड़ता है आपको, तो इसी में आप सिग्नेचर कीजिएगा जैसे आपका बैंक में सिग्नेचर है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गाइज आई एम श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।